जब भी हम देखते हैं कि टमाटर का पाउडर तैयार हुआ है, बहुत अच्छा लाल कलर आया है, हरी धनिया सूख के तैयार हुई है, बहुत अच्छा हरा कलर आया है, लेकिन जब हमने कभी बनाया तो उतना अच्छा कलर नहीं आया। जब भी आप कभी टमाटर का पाउडर या हरी धनिया सुखाने का सोच रहे हैं, या फिर आपने कभी सुखाया हो या आप सुखाने जा रहे हो, तो आपने देखा हो कि टमाटर का पाउडर बिल्कुल लाल बन के तैयार हुआ है, हरी धनिया जो है बहुत ही हरा कलर प्यारा सा उसमें आया है, तो क्या रियल में ऐसा होता है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि दूसरे लोगों ने क्या किया, या फिर हो सकता हो मेरे में, मैं ये भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, हो सकता हो मेरे में कुछ कमी रह गई हो। कमी कहाँ रहेगी वो भी आप डिसाइड करेंगे, आप मुझे बताएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है और मैंने टमाटर का पाउडर, प्याज का पाउडर और हरी धनिया का पाउडर बना के तैयार किया है। तो आज मैं इसमें ना तो कोई कलर ऐड करने वाली हूँ, ना ही कोई जो है उसमें फ़िल्टर यूज़ करने वाली हूँ। रियल आपको दिखाऊंगी कि कैसा पाउडर बन के तैयार हुआ है। अगर आपको अच्छा एक ऑनेस्ट रिजल्ट देखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को देखें और रिजल्ट देखें कि कैसा पाउडर बनके तैयार हुआ है। और हाँ, आपको बीच बीच में वीडियो में टिप्स भी मिलते रहेंगे और लास्ट में वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, जो भी आपका क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो या फिर फीडबैक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए देखते हैं मेरा जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है वो कैसा बना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम हरी धनिया का पाउडर बनाएंगे, उसके बाद टमाटर का, प्याज का। तो चलिए पहले हम हरी धनिया का पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पहले क्या करेंगे, हरी धनिया को हम सुखा करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने हरी धनिया ली है आधा किलो लगभग, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसके बाद हमें जो भी इसमें ख़राब पत्तियाँ दिखेंगी वो हम हटा लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हटाने के बाद फिर हम जो है, ये हरी धनिया है, काफ़ी सारी हरी धनिया हाथ में पकड़ के, और उसके जो जड़ है उनको हम कट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जड़ को कट करने के बाद हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो, अगर आप सब्जी वब्जी के ऊपर डालना चाहते हो सूखने के बाद, तो आप इसकी केवल पत्तियाँ निकाल कर के सुखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाउडर भी तैयार करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देखिए, इसको रफली यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर ले रहे हैं। इसमें जो इसकी जो डंठल होती है उसके साथ में बस जड़ हम हटा देंगे। और देखिए, हरी धनिया को कट करने के बाद हमने एक न्यूज़पेपर लिया है, इसमें हम होल कर लेंगे। तो देखिए, होल करने का क्या फ़ायदा होता है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसमें बिल्कुल जो आपको रियल रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, हम इस तरीके से होल कर लेंगे। हमें एक न्यूज़पेपर लेना है, उसका एक पेज यानी कि जो दो साइड का होता है, और उसमें हम एक तरफ क्या करेंगे, हाफ में हम होल कर लेंगे इस तरीके से देखिए। और खोलने के बाद देखिए, इस तरीके से एक तरफ पूरा इसमें होल हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस न्यूज़पेपर को हम एक जगह बिछा करके ऐसे रख के, और बिल्कुल इस तरीके से, और उसमें हम हरी धनिया जो हमने कट की थी ये हम इसमें ऐसे रख देंगे। हम इसको फैला देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और हम इसको कवर कर देंगे, जिधर होल है वो वाले पार्ट से हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ हमने दो न्यूज़पेपर कट किए थे, तो मैं इसको हाफ ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि जो डबल में रहेगी जल्दी नहीं सूखेगी, तो सिंगल पेपर रखूँगी तो इससे जल्दी सूख जाएगी। देखिए इस तरीके से, और हरी धनिया उधर सूख रही है। चलिए अब हम आपको टमाटर का भी जो पाउडर है बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ हमने कुछ टमाटर लिए हैं, और उसको हम अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लेंगे, फिर हम जो सही सही टमाटर होंगे वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो टमाटर कोई ख़राब ना हो, यहाँ पर आप जहाँ पर डंठल होता है वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर टमाटर ख़राब हुआ तो फिर पाउडर में स्मेल आ सकती है। और अब हम क्या करेंगे, टमाटर को कट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका डंठल वाला पार्ट है वो वहाँ पे, जो इसका कड़ा वाला भाग है ये देखिए, इसको हम हटा देंगे कट करके। और अब हम इसको क्या करेंगे, टमाटर को जितना हो सकता है पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने टमाटर को कट कर लिया है,
और ये जो पार्ट है ये हम हटा के इसको हम फेंक देंगे, जो भी ख़राब टमाटर वो हम हटा देंगे। यहाँ देखिए मैंने इतना टमाटर कट करने के बाद फिर मैं इसको छत में धूप में रख रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्पेशल टिप्स आपको ये देना चाहती हूँ कि जब भी आप टमाटर को सुखाएं, कोशिश करें सुबह सुबह ये काम कर लें और 7-8 बजे से इसको हम धूप में रख देंगे, जिससे कि क्या हो जब शाम तक ये एक तरफ थोड़ा सा अच्छे से सूख जाए, अदरवाइज़ फिर इसमें स्मेल आ सकती है। तो देखिए टमाटर हमने सूखने के लिए सुबह सुबह से ही रख दिया है छत पे और ये सूख रहा है। रिजल्ट आगे हम इसका दिखाएंगे। और अब हम यहाँ पे प्याज का भी पाउडर बनाएंगे। तो प्याज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, छील लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्याज कट करके रखा हुआ है, लेकिन आपके सामने ये थोड़ा सा प्याज हम छील के बीच से कट कर रहे हैं। और ये डंठल वाला पार्ट है इसको भी हम निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स नहीं खाना चाहिए ऐसा कहते हैं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं ये देखिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लगभग 1/2 किलो प्याज पहले ही कट करके रखा है और इस तरीके से पतला पतला हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कभी कभी प्याज बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हम जैसे चिप्स वगैरह बच्चों को बहुत पसंद होता है वो बनाते हैं, तो उसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको अलग अलग चाहे तो कर लें, जैसे इसके स्लाइसेस होती पतली पतली अलग कर लें, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ होती है कि आसानी से ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। लगभग 1/2 किलो प्याज हमने लिया था और कैसा सूखा है, कैसा पाउडर बना है ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम इसको भी सूखने के लिए रखेंगे। ये देखिए तो आप इस तरीके से चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, प्याज की जो स्लाइसें हैं उसको अलग कर लें। और अब हम एक न्यूज़पेपर ले रहे हैं और इसको हम फैला देंगे इस तरीके से और हम इसको क्या करेंगे, धूप में रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें जो है हम जो हरी धनिया है वो तो हमने छांव में सुखाई है, लेकिन जो टमाटर प्याज है ये हमें धूप में ही सुखाना है, तभी अच्छे से सूख पाएगा। और टमाटर को हम न्यूज़पेपर में नहीं सुखाएंगे। तो देखिए लगभग 1 हफ्ते बाद टमाटर सूख चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा सूख चुका है। और फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, मैं ये गलती मैंने की थी, मैं चाहती हूँ आप ना रिपीट करें। ये देखिए टमाटर में पीछे हल्का सा न्यूज़पेपर दिख रहा है। मैंने क्या किया, जब टमाटर सूख गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूर दूर फैला दूँ न्यूज़पेपर में, तो वो क्या होता है न्यूज़पेपर में फिर हल्के से ये चिपक जाते हैं, तो फिर जब सूख जाएंगे तो फिर हटाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन टमाटर जो अच्छे से सूख चुके हैं और ये देखिए हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं, तो पूरा अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट है ये कलर आया है, पता नहीं कैसे, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि एक बार मैंने और भी सुखाया था तब जो है तब भी उतना रेड कलर नहीं आया था। तो आप बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका जो टमाटर का पाउडर उसका कलर कैसा आया है। और प्याज देखिए कितना बढ़िया सूख चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा प्याज क्या करेंगे, रोक लेंगे ऐसे और थोड़े से प्याज का हम पाउडर तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बारीक हमें इसको पीसना है। और आप चाहें तो इस पाउडर को जो महीन छन्नी है उससे हम इसको छान भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये प्याज का पाउडर बनके तैयार हुआ है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छान नहीं रही हूँ। ये देखिए तो फ्रेंड्स आपको ये पाउडर बनाने हैं और मुझे कमेंट कीजिएगा कैसे बने हैं। और ये हरी धनिया, तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से धनिया सूख चुकी है, ये देखिए। तो इसका कलर जो है बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत पत्तियां हैं क्योंकि बीच बीच में मैंने हल्का सा इसको दरवाजे के पास रख दिया था, मतलब एक मामूली सी धूप आ रही थी, धूप नहीं आधी छांव थी आधी धूप, तो क्योंकि मैं चाहती थी ये जल्दी सूख जाए। अगर हम इसको धूप में सुखाएंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर की या डार्क हो जाएगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए ये हमने धनिया का भी पाउडर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आप ये पाउडर बना लीजिए, मैं इसकी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तब ये हो सकता है कि ये पाउडर आपके पास ना हो तो फिर आप उदास हो जाएंगे, तो अभी ये चीज़ें सस्ती भी आ रही हैं। तो ये देखिए हमने इसको छान लिया है धनिया के पाउडर को और इसको हम रख लेंगे। हम पूरी धनिया पूरा प्याज इसलिए नहीं ग्राइंड कर रहे हैं कि एक बार अगर पाउडर
थोड़ा बहुत ख़राब भी हो सकता है, वैसे ख़राब नहीं होगा लेकिन फिर भी, और अगर हम इसको साबुत रखेंगे तो फिर ये पूरी तरीके से सेफ़ रहेंगे। और हम इसको कई तरीके से सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्याज है वो हम कोई बिरयानी वगैरह, वेज बिरयानी वगैरह बनाते हैं उसमें भी फ्राई करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने पूरे प्याज का पाउडर नहीं बनाया है। प्याज का पाउडर हमें बनाना होगा तो वो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन पाउडर से हम प्याज नहीं बना पाएंगे इसलिए। तो चलिए अब हम मेन जो हमें बात हमें यहाँ पे सीखनी है वो है कि हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने धनिए को छेद जिसमें होल किए थे उसमें हमने न्यूज़पेपर में रख दिए हैं, और इस तरीके से फोल्ड करके हम एक रबड़ बैंड लगा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने एक बार बहुत पहले जब मैंने इसको सुखाया था, सुखाने के बाद मैंने इसको बंद करके रख दिया था, तो फिर एक गंदी सी स्मेल आने लगी थी, हल्की सी उसमें सीलन ऐसी आ गई थी, तो इसलिए तब से मैं वो काम नहीं करती हूँ, और वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, न्यूज़पेपर में हमने होल कर दिए हैं और हम इसको रख देंगे, क्योंकि अगर इसमें ज़रा भी मॉइस्चर आया तो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और देखिए, इस तरीके से हमने प्याज और हरी धनिया का पाउडर स्टोर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक